हृदय को मोह कर हम सब के, तुम चले गए अंबर के पास। बाबा ने हमको चुन के, ऐसा नहीं चुन के फिर वर्ष के अधिकारी भी बना दिया है ना भाग्य। कल बाबा ने क्या कहा कि मनसा सेवा, वाचा में सब पास है, मनसा सेवा ये कठिन है लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो मनसा सेवा की प्रैक्टिस हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारी मनसा सेवा नहीं है तब तक हम किसी को, जिसको कहते हैं ना बाबा ने कहा ना कि सभी त्राही त्राही जब मचाएंगे तब आप बाबा की कैसे ताकत देंगे। इसलिए मनसा सेवा जब तक है, मनसा सेवा में हमारे जितनी टाइम लगेगा उतना हमारा स्थिति भी कमजोर रहेगा, क्योंकि मनसा सेवा में हम मनसा सेवा में बैठते तो है, बैठते हम क्या करते, पहले सोचते ये ठीक है, दूसरी बात है कहते मेरा पहुंचेगा, तीसरी बार कहते मेरे लिए क्या फायदा है, मेरे साथ तो उसने ऐसे ऐसे किया था, उसको मैं क्यों इतना वो करूं। तो जिसको कहते जॉइंट आता है, देरी होती है। आप देखो जब लाइन क्लियर होता है करंट पास करने में कितना जल्दी होता है, जहां जॉइंट आता है एक एक चीज की तो लीक भी हो जाता है ना, ब्रेक भी होता है, लीक भी होता है और टाइम भी लग जाता है। तो यदि हम उस चीज को एक ही संकल्प करें कि वो कुछ भी है, कैसे भी आत्मा है, मुझे उसको कल्याण की भावना में देखना है, मुझे बाबा से ताकत लेके उस आत्मा को उद्धार करना है, तो फिर मनसा सेवा हमारी तीव्र गति होगी। यदि क्यों क्या, जैसे बाबा ने कल कहा क्यों क्या कब कैसे सब आ गया तो जॉइंट हो गया। इसलिए जब भी मनसा सेवा में बैठो कभी ये नहीं सोचने का कि मेरे लिए कितना फायदा है, क्योंकि मनसा सेवा उसके लिए बैठते हैं जो आत्मा कमजोर होता है, जो आत्मा की परिवर्तन चाहते हैं उसके लिए हम बैठते हैं। हम खुद पावरफुल है तब तो बैठ के हम दे पाते हैं ना। तो जब पावरफुल व्यक्ति यदि हम कमजोर हो जाए तो उस आत्मा को कैसे दे। इसलिए यदि हम पावरफुल है तो कमजोर आत्मा को हम शक्तिशाली बना सकते हैं, बाबा का हम बना सकते हैं, बाबा से एनर्जी लेके उसको दे सकते हैं। तभी बाबा ने कहा कि समय ऐसा आएगा जब त्राही त्राही मचेगा, तभी आप सभी बाबा से ताकत लेके, जो बाबा ने एनर्जी दी है ताकत दी है तभी आप दे सकते हैं। इसलिए ये जो कल की बात थी, बाबा ने मनसा सेवा में जो हमको अटेंशन खिंचवाया वो सबसे बहुत बड़ी बात है। आज दिन तक बाबा ने कितना मनसा सेवा के लिए कहा, किंतु बाबा ने एक्सप्लेन किया कि मनसा सेवा करने से आपको क्या फायदा है ना, कि मनसा सेवा क्यों नहीं होता है, क्या करने से मनसा सेवा होगा, ये बाबा ने हमको बताया एक्सप्लेन किया। तो मुरली हम पूरा पढ़ते हैं, उसमें सब कुछ है। बाबा ने कहा मनसा सेवा में यदि पास होंगी तो आप सब दादियों की नजदीक में अभी थे आगे भी होंगे, क्योंकि हमारी मनसा सेवा है। ये विषय अच्छा है लेकिन गहन भी है गहरा भी है, स्वभाव ऐसा हो जाता तो सरल हो जाता लेकिन प्रैक्टिस करनी है। खुदा को खुद में कोशिश करेंगे तो बाबा को मदद तो जरूर करता। करोड़ों को खुदा से मिलाया होता क्या।
क्या बलिदान प्रभु प्रेम में, आपके कर्मों ने छोड़ चली संसार सबकी प्यारी दादी गुलजार बाबा वाली दादी गुलजार बाबा वाली दादी गुलजार दादी गुलजार।